नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और नंबर वन डिबेट आर पार। कश्मीर में एक और हिंदू की टारगेट करके निर्मम हत्या हुई है। बुजदिल आतंकियों ने बैंक के अंदर घुसकर मैनेजर विजय कुमार की निर्दयता से हत्या कर दी है। इसी साल फरवरी में विजय कुमार की शादी हुई थी। हाल ही में कश्मीरी हिंदू टीचर रजनी बाला के अलावा कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, रियाज अहमद ठाकुर और टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की भी आतंकियों ने हत्या की थी। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने दुम दबाकर भागने वाले बुजदिल आतंकी अब निहत्थे नागरिकों को चिन्हित करके मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत यानी पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है और उसमें शुरू हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं है, आज कश्मीर की सच्चाई है। और वैसी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा भूलकर फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। उधर देश के गृह मंत्री कश्मीर के मुद्दे पर कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोवल भी शामिल होंगे। लेकिन सवाल है कि कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पर कब तक सियासत होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। निशाने पर हिंदू, डर फैलाना है इनका केंद्र बिंदु, इसलिए इस केंद्र बिंदु से डरना है, ये डर फैलाने वाले माहौल से डरना है। कुछ लोग डराएंगे, भाग जाओ, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है। आज का आर पार इसी पर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, दहशतगर्द कायर आतंकवादियों को जमीन के पताल से भी निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन से बौखलाए आतंक चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। कुलगाम में बैंक के अंदर घुसकर मैनेजर विजय कुमार को आतंकियों ने गोली मार दी। एक महीने में ये 8वीं हत्या है। इसी साल 20 फरवरी को राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की शादी हुई थी। हमारी कोशिश तो ये कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। हाल ही में बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, कुलगाम में महिला टीचर रजनी बाला, पुलवामा में रियाज अहमद ठाकुर और टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की भी हत्या हुई थी। अब इस मुद्दे पर खुलकर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई। जब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा और विकास कार्यों में अधिक तेजी और मजबूती हो रही है, ऐसे में पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने एक साजिश की है। 89 में की वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। टेररिज्म हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही सरकार की है। वहाँ हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, पंडित भी मारे जा रहे हैं। उधर कश्मीर में टारगेट किलिंग पर मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल ने आज गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कश्मीर में हिंदुओं की हत्या का दौर कब थमेगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। टारगेट किलिंग, हिंदुओं की चिन्हित करके हत्या हो रही है। मकसद डर फैलाकर हिंदुओं को भगाने की चाल है, मकसद इसका यह है। कुल मिलाकर बौखलाहट 370 हटने के बाद बेचैन हो गए हैं आतंकी। उन्हें लग रहा है कि पूरी बाजी अपने उनके हाथ से निकल गई है। सियासत राहुल गांधी और ओवैसी की बोली एक है, यानी राजनीतिक मुद्दा उनको मिल गया है, ये सियासत है। और बड़ा सवाल इस समय ये है, क्या कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? आज इस सवाल के साथ मैं ओपन करता हूं और
मैं गौरव भाटिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्पॉटलाइट में आज वो। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, उनका अभिनंदन है, एडवोकेट भी है। मेरे साथ अमित रैना, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, दानिश कुरेशी साहब मेरे साथ हैं, अब माजिद हैदरी हैं मेरे साथ। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। गौरव भाटिया, मेरा जो मूल सवाल है उस सवाल के साथ मैं ओपन करता हूं, क्या कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? अमित जी देखिए, सर्वप्रथम ये जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला है ये बहुत ही दुखद है जी, और शोक संतप्त परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हर नागरिक खड़ा हुआ है। मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, ये जो आतंकी हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको ऐसी सजा होगी कि इनके परिवार जन जो हों वो भी थर थर कांपे, और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे भाई बहन की तरफ हमला करने की सोचे तो उसको पता हो कि उसका अंजाम यह है कि वो 72 हूरों के पास जाएगा जी। सीमा के उस पार कोबरा देश आतंकिस्तान है, सीमा के अंदर कुछ सपोले हैं जो समर्थन करते हैं ऐसी आतंकियों का। गौरव, और मैं ये कह सकता हूं कि इस, मैंने आपको एक मिनट दिया आपकी हत्या पर भी आपने सेना, आपने बोला 72 हूरों के पास जाएंगे। गौरव, मैंने आपको एक मिनट 5 सेकंड दिया आपकी बात को रखने के लिए, 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड दिए टू बी प्रिसाइज आपको अपनी बात को रखने के लिए। आपने बोला 72 हूरों के पास जाएंगे, आपने बोला थर थर कांपेंगे, लेकिन इस समय वहां पर थर थर हिंदू कांप रहा है, उसके लिए सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। कश्मीरी हिंदू 90 में भी अपने घर से बेघर हुआ था, आज एक बार फिर पलायन की बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार में है, शासन में है, रेटोरिक नहीं सुनना चाहता कश्मीरी हिंदू कि 72 हूरों के पास जाएंगे, थरथर कांपेंगे, थरथर इस समय हिंदू कांप रहे हैं जो सत्य है। अमित जी, कोई रेटोरिक नहीं बोलूंगा, एक भारतीय होने के नाते आहत हूं जैसे कोई भी होगा, जिम्मेदारी हमारी है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ एक बात बताता हूं। 2022 में 94 आतंकवादी ढेर किए हैं हमारी वीर सेना ने, और पिछले साल 200 आतंकी ढेर हुए थे, अनुच्छेद 370 हटाया, ऐतिहासिक फैसला था। पाकिस्तान को पता है और आतंकी सोच वालों को पता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, कश्मीर में विकास आ रहा है, तो जो लॉ बुझने जा रही है वो फड़फड़ा रही है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं अमित जी बड़ी जिम्मेदारी से, क्या सरकार के साथ जो बाकी विपक्षी दल है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई चिंगारी हमारे देश में लगाने का प्रयास करे तो वो मिट्टी का तेल ना डाले? राहुल गांधी विदेश में है, उनका ट्वीट आया है, एक मिनट अमित जी प्लीज, राहुल गांधी ने कहा है कि आज कश्मीर में जो हो रहा है वो गलत है और आगे और बुरा होगा, कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी, और तस्वीरें लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे पलायन शुरू हो चुका है। अमित जी मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के एक ही सुर नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, उनको भी कश्मीरी पंडितों की बहुत चिंता है इस समय। हाँ, तो मैं फिर इसीलिए अपनी बात पूरी कर लूं। जी 30 सेकंड, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकिस्तान या जो गलत लोग हैं वो चिंगारी लगा रहे हैं तो आपको देश और सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए, या ये कहना चाहिए डर का माहौल बना के कि पलायन है? दूसरी बात, 96% मुसलमान है, मैं आज उन मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं बुरहान वानी के जनाजे पे ज्यादा लोग आते हैं, आज अगर एक भारतीय वो वहां पे अल्पसंख्यक है वो मारा जा रहा है, आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये लड़ाई हर व्यक्ति की है, लेकिन गौरव लड़ाई हर व्यक्ति की है, लेकिन जवाबदेही भी आपकी है, सरकार में आपकी है, 303 सीटें आपको मिली है, जिम्मेदारी आपको मिली है, भरोसा आप पे जताया है जनता ने, 370 आपने हटाई है, 370 आपने हटाई है, क्रेडिट आपका है, तो आज वहां पर अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो इसका डिसक्रेडिट भी आप ही के माथे बना जाएगा। वाहवाही अगर आप लूटते हैं तो जवाबदेही भी गौरव भाटिया आपकी बनेगी, और आप इस जवाबदेही से अपने आप को अलग नहीं कर सकते गौरव जी।
जब सेहरा आप पे चढ़ा है तो आप ही से सवाल पूछे जाएंगे। गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दूंगा, आगे आगे आपको मौका दूंगा, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया मैंने अभी तक, लेकिन मेरे को सवाल अब लेना है अभय दुबे से। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी को विदेश में बहुत चिंता है कश्मीरी हिंदुओं की, और वो कहते हैं ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये वास्तविकता में हो रहा है, पहले भी वास्तविकता में हुआ था, अब भी वास्तविकता में हो रहा है। फर्क इतना है सिर्फ कि सियासी लोगों को सियासत का बहाना चाहिए, चाहे वो किसी की लाश को रौंद के हो, चाहे वो किसी को डरा कर हो। क्या आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, जितना मैं जानता हूं आपको, कि कश्मीरी हिंदू वहां से चले जाए, तो डराने का काम क्यों करा जा रहा है कि और बुरा हाल होगा, और कत्लेआम होगा, फिर मस्जिदों से आह्वान होगा, क्यों डराया जा रहा है, क्यों आइडिया दिया जा रहा है, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे भी। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी ने ये दर्द क्यों व्यक्त किया जानते हैं आप? आज मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपने सरकार को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर सरकार क्या कर रही है जानते हैं आप? 20 दिन से वहां कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है, क्या किया जानते हैं? एक बार पूछिए उनसे, उन पर आंसू गैस के बम मारे जा रहे हैं, उन पर वाटर कैनन का प्रहार किया जा रहा है, आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा अजय पंडिता की बिलखती हुई बच्ची के आंख के आंसू नहीं पूछे थे, बिंद्रू साहब की का कत्लेआम कर दिया गया वहां, शुपेंद्र कौर चांद साहब की हत्या कर दी गई, अमीरा भट्ट की हत्या 25 मई को की गई, 24 मई को पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया, रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई। कब तक ये नरसंहार चलेगा? हिंदुओं को निशाना बनाकर कब तक आप हत्या करते रहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से आज सकारात्मक रूप से आग्रह करना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, आपने 2021 में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, इस बार पंडितों को भी शामिल कीजिए और एक ऐसा विश्वास जागृत कीजिए वहां पर घाटी में, वो फिर से स्टेटहुड को देने की कोशिश कीजिए, हम सब सारे राजनीतिक दल साथ हैं। मगर इस इतिहास को भी हम नहीं मिटा सकते कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही हो, चाहे सिंहपुरा में 36 सिखों को मौत के घाट उतार दिया, चाहे नदीग्राम में जो हिंदुओं को पेड़ के नीचे बिठाकर पूरे गांव को कत्ल कर दिया, रघुनाथ मंदिर है, राहुल गांधी जी को बड़ी चिंता हो रही है और राहुल गांधी बड़े चिंतित हैं। बिल्कुल राहुल गांधी चिंतित होंगे, देश का हर नागरिक चिंतित है, तो राहुल गांधी का चिंतित होना भी लाजमी है। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, अगर आप चिंतित होते हैं, अगर आप किसी की मौत पर अफसोस करते हैं, तो उसके घर पर जाकर यह बोलते हैं कि आने वाले दिन और खौफनाक होंगे, और ये कहा जाता है कि आने वाले दिनों पर बम और फटेंगे, ऐसे कहा जाता है कि आपके घर में अभी एक मौत हुई है तो 5 और होंगी, इसीलिए तुम यहां से निकल जाओ, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह की बात करके, चाहे राहुल जी करें, चाहे अभय जी करें, चाहे ओवैसी जी करें, चाहे कोई और जी करें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी करें, इस तरह की बात करके क्या हम काउंटर प्रोडक्टिव नैरेटिव को ज्यादा बल नहीं देते, जब हम कहते हैं कि और बुरा होने वाला है? डराना क्यों? डराना तो चाहते हैं आतंकी, हम तो बोले कि नहीं इससे, हम तो बोले कि क्यों बुरा होगा, क्या भाग के काम होता है या लड़ के काम होता है? मैं बोलूं, राहुल गांधी जी ने इसलिए इतनी वेदना से कहा कि वहां पंडितों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सरकार मार रही है। अमीश देवगन जी, क्या सरकार ये उनकी बात सुननी चाहिए? प्रधानमंत्री गृहमंत्री को आगे आके बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, उसकी बजाय आंसू गैस के बम मारोगे, वाटर कैनन लाठी चार्ज करोगे उनपे, उनकी वेदना तो समझो आप किस पीड़ा में। और बुरा कैसे, मैं मान लिया वो वेदना समझी, और बुरा कैसे होगा, और बुरा कैसे होगा, प्लीज एक्सप्लेन इट, कृपया करके बताइए और बुरा कैसे होगा, और बुरा क्या होगा? अगर एक ऐसा, जब वो फिल्म बनी, जब वो कश्मीर फाइल फिल्म बनी, उसका तो मजाक उड़ाया गया, और अब कहा जा रहा है कि वो फिल्म नहीं है, वो हकीकत है, वो भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, और बुरा क्या होगा? एक जेनोसाइड जो 32 साल पहले शुरू हुआ, वो जेनोसाइड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इट इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जेनोसाइड इन द वर्ल्ड, इससे बड़ा जेनोसाइड हुआ ही नहीं कोई, आप इससे बड़ा जेनोसाइड हुआ जो 1990 में शुरू हुआ और अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा, 1990 में क्या उससे पहले शुरू हुआ? मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं को मार रहा उधर, मैं जब सुनिए ना क्या, और फिर भी इस देश में कहा जाता है कि अकलियतें डरी हुई है जी, इस देश में एक कौम को बाहर कर दिया गया उसके वतन से,
उसके बाद भी जो वहां पर जाता है उसको मार देते हैं और फिर भी कहा जाता है डरा हुआ है। मुझे बताइए इससे बुरा क्या होगा कश्मीरी हिंदुओं के साथ? अबे दुबे प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल गिव यू 30 seconds, एक्सप्लेन इट टुनाइट, इससे बुरा क्या होगा हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ, हमारे लोगों के साथ? हमने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर बाहर के लोग वहां पर जमीन खरीदेंगे। क्या जवाब दे रहे पार्लियामेंट में फरवरी 2022 में कि हमने अब तक 7 प्लाट दिए हैं, सिर्फ ऑल 7 प्लाट्स आर लोकेटेड इन जम्मू डिवीजन। इन्होंने कहा कि वहां 44,885 जो परिवार पलायन कर गए थे उनके घरों को चिन्हित करके वापिस देंगे। ये कहते हैं सिर्फ 610 घर इन्होंने अभी तक वहां चिन्हित किए हैं। इन्होंने कहा 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाएंगे। अभी पता लगा जब गृह मंत्रालय की वहां बैठक हुई कि सिर्फ 1,025 घरों का निर्माण इन्होंने फरवरी 2022 तक किया है। इन्होंने कहा 3,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे, उसमें से सिर्फ 1,700 नौकरियां इन लोगों ने दी है। इसलिए हम आग्रह करते हैं, दुबे यू मेड योर पॉइंट, क्विक रिस्पॉन्ड फ्रॉम गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, राहुल गांधी को अंदेशा है कि और बड़ा खतरा होगा और बुरे हाल होंगे, ही हैज द आइडिया? राहुल गांधी तो यही चाहते होंगे, क्योंकि अब मैं कुछ बात कहूंगा, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं हम साथ हैं। राहुल गांधी तो विदेश में बैठे हुए ट्वीट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं केरोसिन ऑयल। अगर उनको इतनी चिंता होती तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल भट्ट हमारा भाई मारा गया, प्लीज शांत करा लीजिए, शांत कराइए, बदतमीजी ना करें, प्लीज बदतमीजी नहीं, शांत कराइए। दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी ने सकारात्मक और सच्चाई बयान की है कश्मीर के हालात। आपके गवर्नेंस, ठीक है, अपनी अपनी टर्न पे गौरव, बदतमीजी कहलाती है। धन्यवाद। देखिए मैं फर्क बताता हूं, हमारा भाई राहुल भट्ट मारा गया 24 घंटे के अंदर, हत्यारे को ढेर किया गया। हमारी बहन अमरीन भट्ट को मारा गया 48 घंटे में, हत्यारे को ढेर किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी किसके परिवार से मिलने गए हैं ये बताइए। दूसरा, यासीन मलिक अभी जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद हुई, कांग्रेस का प्रवक्ता डिबेट में नहीं आ पाया किसी चैनल पे, ये यहां पे हमें समझाते। तीसरी बात, कौन है पाकिस्तान का भोपू ये देखिए, इंटरनेट बंद कर दो तो ये राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान के डोजियर पे होता है, उनके लिए मॉडलिंग करते हैं राहुल गांधी। चौथी बात, आप अमन चैन की बात मत करिए, 55 साल आप सत्ता में रहे, अनुच्छेद 370 हटा रही, शांत कराइए, शांत कराइए, अपना दिवस पर शांत, प्लीज अमन जी शांत कराइए, और आप ये गलत लिख रहे हैं उनको, ये गलत है, आप प्रेम पत्र लिख रहे हैं पाकिस्तान, इनको शांत कराइए, शर्म आनी चाहिए, इनको शांत कराइए, तब मैं आपकी बात करूंगा। केसी कमेटी, आपने अलगाववादियों को स्टेक होल्डर बताया, आपने सत्ता की भूख मिटानी थी तो पीडीपी के साथ कहा कि हम आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे। देखिए आपने कहा कि जो स्पेशल आर्म फोर्सेस पावर एक्ट है ओछे लोगों को मत बुलाया करिए, पुनर्विचार करेंगे, केवल क्या बात करते हैं। ठीक है, मैं जवाब एक एक करके, मैं ऑल ऑडियो डाउन, मेरे साथ बाकी भी 4 मेहमान है, उनके पास भी मुझे जाना है, वक्त बिल्कुल खराब हो रहा है ऐसे। देखिए माजिद हैदरी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? जो हिंदू होगा वो मारा जाएगा? जाना तो हर एक को है, मगर वक्त से पहले हम दर्द के मारों के वो दिल तोड़ गए। अल्लाह ताला सबसे पहले इनके परिवारों को शांति दे, जो हमारे भाई यहाँ पे जिनकी जाने गई। देखिए अमीश भाई, आज मैं जान हथेली पे रख के आपके मंच पे आया हूँ, क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक नहीं, आपसे विनती होगी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिये सबसे पहली चीज, आपने हिंदू भाइयों की, कश्मीरी पंडित भाइयों की बात की, इनके लिए बंधुआ मजदूर पैकेज है, जिसके तहत इन्हें कहा जाता है कि ऐ बंधुआ मजदूर, तुझे कश्मीर आके नौकरी करनी है और शायद यही तू मारा जाएगा, लेकिन अगर तू भीख भी मांगेगा हम तुझे सुरक्षित जगह पे नहीं देंगे। दूसरी चीज, मैं ये नहीं पूछूंगा जो मेरा आज राजस्थान का भाई मारा गया कि उस बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजभवन ने चोरों चकों को सिक्योरिटी दी है, लेकिन जिसको जरूरत थी राहुल भट्ट हो या क्या हमारा भाई राजस्थान से सिक्योरिटी नहीं। तीसरी चीज जो आपके मंच ने अभी दिखाई कि रविंद्र रैना जी जो भाजपा के हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा जी कि एक रेड वेव पार्क से हमारे पड़ोसी मुल्क से रेड वेव की कॉन्स्पिरेसी,
भाई अगर रेड वेव की कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो इसका ऐलान रविंदर रैना जी क्यों कर रहे हैं जो सरकार का कहीं हिस्सा नहीं है? ये हमारी भारत की सरकार क्यों नहीं देश को बताती कि रेड वेव है जिससे पूरे देश के नागरिकों को खतरा है? कहीं जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए, कश्मीर में हिंदू होना क्या गुनाह है? अरे इस देश में मुसलमान होना क्या गुनाह है? आप मुझे उसका जवाब दीजिए। हिंदू भाई तो कहीं चले जाएंगे, मैं मुसलमान कहां जाऊं छुपने को? मुसलमान पूरे दुनिया में रह रहे हैं भाई, मुसलमान पूरे देश में रह रहे हैं। मुसलमान केरल में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, एक सेकंड रुको सुनो आप, गुजरात में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं और असम में रह रहे हैं और कई जगह तो मेजोरिटी में रह रहे हैं। कोई देश का राज्य बताओ जहां मुसलमान नहीं रह रहे हो और जहां मुसलमानों की टारगेट किलिंग हो रही हो। नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है सर 1990 से। देखिए अमीश भाई, मैं कर्नाटक जाना चाहता था लेकिन वहां हिजाब बैन है, मैं गुजरात जाना चाहता था हलाल बैन है, मैं यूपी जाना चाहता था ज्ञान वापी का पंगा पड़ा हुआ, मैं मध्य प्रदेश अरे बुलडोजर है। नहीं नहीं, आपके लिए तो हर जगह ही पंगा है, आप जैसे पंगा है। रिजवान अहमद, इनको पूरे देश में कोई घूमने की जगह नहीं मिल रही, इनको पूरे देश में कहीं घूमने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन नहीं देखिए, दिस इज हाउ सीरियस यू आर ऑन दिस सीरियस इशू, पीपल आर डाइंग, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू देम जिनकी मौतें हुई हैं। आपको मैं जान रहा हूं, आपको हिजाब भी, आपको ऑडियो भी मैं दुरुस्त कराने के लिए बोलता हूं, आपको हिजाब से भी समस्या है, आपको ज्ञान वापी से भी समस्या है। रिजवान अहमद, ये नैरेटिव आप देख रहे हैं, इस देश में मुसलमान होना भी गुनाह है, हिंदू होना तो कोई बात ही नहीं है, मर रहे हैं तो मर रहे हैं, मर रहे हैं तो और डराओ। जी जय हिंद वंदे मातरम, नोट करता रहता हूं, पॉइंट फोर पे बिहेवियर ऑफ मुस्लिम लिख के बैठा था, बाय चांस मुझसे पहले माजिद भाई ने अपनी बात बोल दी तो मेरे कथन को मजबूत कर दिया। चार छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला, जो लोग आज इस टारगेटेड किलिंग पर जो पिछले एक साल में डेढ़ साल में देखने को मिली है अमीश भाई, जो आज उस पर आंसू बहा रहे हैं, दो साल बाद अगर कश्मीर फाइल टू बनेगी तो यही लोग कहेंगे ये पिक्चर झूठी है, ऐसी पिक्चरें आपस में दूरियां बढ़ाती हैं, ये पिक्चरें बैन होनी चाहिए, ये पिक्चरें सच्चाई नहीं दिखा रही हैं। दो साल बाद कश्मीर टू अगर बनेगी इन्हीं किस्सों पर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी ये किलिंग है, ये बात मैं एज अ लॉयर आपको बता रहा हूं अमीश भाई, आज से शायद कुछ दिन पहले एक तहसीलदार राहुल भट्ट मारा गए, शहीद हुए, तहसील वो ऑफिस में घुस के मारे गए, आज ये साहब अपने प्रेमिसेस में ऑफिस में घुस के मारे गए। इसके पीछे जो क्रिमिनल होता है वो एक मैसेज देता है, ये दोनों लोग सड़क पर भी मारे जा सकते थे अमीश भाई, लेकिन ये ऑफिस के अंदर मारे गए, ये एक मैसेज क्रिमिनल देता है कि हमें किसी का डर नहीं है, हम तुम्हें घुस के मारेंगे, ये दूसरा मैसेज है जो ये टेररिस्ट दे रहे हैं। तीसरी बात, इंडियन मुस्लिम, जो माजिद भाई ने बात बोल दी, मेरी बात पूरी सुन लें, इस तरह के कश्मीर में हिंदूस को आपको पता है एहसास कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब माजिद जैसे भाई लोग, जब रिजवान, जब मेनलैंड इंडिया का मुसलमान वाकई दिल से बिना अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करे इन घटनाओं की निंदा करेगा। लिंचिंग अगर मुसलमान की हुई है गलत हुई है, लेकिन वो मुद्दा अलग है, उस पर भी डिबेट होते हैं। आज इस मुद्दे तो वंदे मातरम से शुरू किया अपनी तकरीर को, आपको शर्म आनी चाहिए, वंदे मातरम आपने कह दिया, मुसलमान हो के हमारे घर में तो इजाजत नहीं वंदे मातरम कहने की, जय हिंद कहा था तो ठीक था, आप तो वंदे मातरम पे पहुंच गए, मैं कहां जाऊं, मैं मुसलमान हूं, मैं कहां जा सकता हूं, मुझे एक प्रांत बताइए, मैं भी छुटना चाहता हूं भाई, मैं भी बचना चाहता हूं, मैं किसके घर पे, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं भाई, आप हंसिए नहीं ना, आप मुझे बताइए मैं जाऊं कहां, मैं बेचारा मुसलमान कहां छुटने में जाऊं, किस प्रांत में जाऊं, दुनिया में आपके लिए तो कोई मुल्क भी सुरक्षित नहीं है, जर्मनी आपके लिए सुरक्षित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए सुरक्षित नहीं है, फ्रांस आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपके लिए सुरक्षित नहीं है, अमेरिका भी आपके लिए सुरक्षित नहीं है, ब्रिटेन भी एक जगह आपके लिए अगर सुरक्षित है तो वो सीरिया सुरक्षित है, हाँ सीरिया भी नहीं है, वहां पर एक दूसरे को मार देते हैं। देखिए रिजवान अहमद को आप एक मिनट तो देंगे ना अपनी बात रखने के लिए, वो सवा मिनट बोले, आपने अपनी बात को रख लिया, ही वेटेड फॉर 20 मिनट्स। रिजवान अमीश भाई, अमीश भाई, या तो आप कह दीजिए कि रिजवान इंतजार करने का कोई फायदा नहीं होता यार, तुम बीच में ही बोलना शुरू कर दिया करो,
इंतजार करने का इतना बेनिफिट तो दिया करिए अमीश भाई कि कोई बीच में ना बोले। दूसरी तीसरी बात, चलिए आज मुझे पता चल गया कि वंदे मातरम बोलने पर मैं मुसलमान नहीं हूं, अगर यही बात है तो नेशनल टीवी पर डिक्लेयर कर रहा हूं, हां भैया फिर मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं जानू मेरा इस्लाम जाने। आगे बढ़ते हैं, वही बात जो मैं बोलना चाह रहा था कि जब तक मेन लैंड एरिया के मुसलमान इन किलिंग की घोर निंदा नहीं करेंगे, जब तक हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और आतंकवादियों का मनोबल नहीं गिरेगा। और आखिरी बात, भाजपा ने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रही है, 370 उठाया, लेकिन अमीश भाई जैसे एक आदमी 10-20 साल से बीमार होता है और कोई डॉक्टर उसकी कोई बीमारी पकड़ के दवाई देनी शुरू कर देता है, तो भाजपा ने कश्मीर की बीमारी पकड़ी मैं मानता हूं और दवाई देनी शुरू करी 370 हटा के, लेकिन भाजपा गलती यह कर रही है अमीश भाई कि भाजपा दिखाना चाह रही है कि अब वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गया है कि भागो खेलो, और उस मरीज को रिलैप्स हो जाता है, वो बेहोश होके फिर गिर जाता है, फिर उसे भाजपा उठाती है, फिर कहती है भागो। पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है, मैं गौरव भाटिया से ब्रेक के बाद इसके पर जवाब लूंगा और बाकी भी मेहमान है उनके पास भी चलूंगा, आप देखते रहिए आर पार। खबर है कि रूसी फौज के कुछ अधिकारी रिस्क। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC, आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं अमीश देवगन, मेरे साथ बने हुए हैं गौरव भाटिया। और गौरव भाटिया, रिजवान अहमद ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, मैं 40 सेकंड में जाता हूं, जानना चाहता हूं इसका जवाब, क्या आपको लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की, और निश्चित तौर पर डर का माहौल हिंदुओं के लिए क्रिएट किया जा रहा है दोबारा से और कहा जा रहा है कि मत आओ इधर, और इसमें सिर्फ आतंकी नहीं है बाकी भी कई लोग शामिल हैं। देख, मैं बताता हूं, सबसे पहले तो हिंदू भाइयों को बहनों को और जो अल्पसंख्यक कश्मीर में है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो रिजवान भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा ये आतंकी एक मैसेज दे रहे हैं कि घुस के हम मारेंगे, तो रिजवान भाई श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम भी एक चेतावनी दे रहे हैं, घुस के मारेंगे चाहे पाकिस्तान तक दौड़ के जाओ जी जी, और घुस के ठोका ही जाएगा, पहले भी गया है आगे भी जाएगा। दूसरी बात, देखिए आपने कहा माजिद भाई, मैं तो माजिद को भाई इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि जब तक ये मेरे दो सवालों का उत्तर ना दे, हमें किन लोगों से चर्चा करनी पड़ती है अभी जी, आप देखिए इनसे पूछिएगा क्या ये मानते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और दूसरा बुरहान वानी मुर्दाबाद, ये दो बातें, एक बोलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीसरी बात, वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग ठीक है, और संविधान सब पे लागू होता है, AR रहमान उसने भी वंदे मातरम गाया था, वो आपसे अच्छा ही मुसलमान है कम नहीं, तो आप मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए जवाब, 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 कश्मीर को भारत का माजिद है, नहीं जवाब, देन दानिश कुरैशी एंड रिजवान अहमद। देखिए अमीश भाई, यही बदकिस्मती हमारे देश की है कि मुसलमान को राष्ट्रवादी होने का सबूत देना पड़ता है बार बार, जैसे आज गौरव भाटिया जी पूछ रहे क्या तुम्हारे अरे भाई क्या 70 वर्षों से छाया नहीं था। और दूसरी चीज आप समझिए, ये जो इंटेलेक्चुअल डिबेट हाँ और ना में नहीं होती है, ये सड़क पे वो गौ रक्षा वाले करते हैं, अरे बोल नहीं पाएंगे, भारत में रहना होगा, वंदे सुनो सपोले, ए सपोले चूसली, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट है, अपनी बकवास, ये अगर ये पूछना तुमने तमाम डिबेट में कभी नहीं ये बात बोली है, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्व होगा तुम पे अगर तुम्हारे बोलोगे, मैं आदर से बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे देश को बचाओ, पंजाब में भी हमले हो रहे हैं, हमले कश्मीर में हो रहे हैं, लद्दाख चाइना का है भाई, मेरे देश को बचाओ, ये बोलने में तुम्हें ठीक है, आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिबेट आपको चाहिए भारत का, अच्छा आपको ठीक है ठीक है, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैं माफी चाहता हूं रिजवान भाई क्योंकि आप अपनी बात को कंप्लीट कर रहे थे, हमें ब्रेक लेना था, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिबेट चाहते हैं कुछ लोग इस देश के अंदर और चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअली साउंड होनी चाहिए। एक सेकंड बाजी है शांत, अब रिजवान को सुन लीजिए 40 सेकंड।
के लिए माफी मांगो, किस बात पे माफी मांग रहे हैं आप इनसे? कहने वंदे मातरम कह, अरे ठीक है बात नहीं, वंदे मातरम, वंदे मातरम क्यों नहीं कोई बोलेगा? वंदे मातरम कोई बोलेगा तो मुसलमान नहीं है, कमाल की बात है आपकी। मुझे संविधान, हाँ आपके तो, आपके लिए तो धर्म के खिलाफ हर चीज है, हर वो चीज है जो आप, वैसे तो संविधान की बात करते हो और वैसे धर्म की आड़ लेते हो। धर्म ऊपर है, संविधान ऊपर है? बोलो, भारत का संविधान ऊपर की धर्म ऊपर? धर्म और संविधान दिल और जान है, मुझे नहीं समझ आता दिल बड़ा है भाई, कैसी बातें करते हैं आप भाई, ये दिल और जान का मामला है, सब आपके लिए दिल और जान है। जी जी रिजवान अहमद, इंटेलेक्चुअल डिबेट। अमीश भाई, अमीश भाई एक बात मेरी कट गई थी, गौरव भाई को नजर कर दूं, गौरव भाई तो सबर से सुन लेंगे, उसके बाद दूसरी बात माजिद भाई को नजर करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात तक के भी सामने एविडेंसेस हैं कि बहुत से जम्मू में हिंदूज को यह बोला जाता है कि तुम कश्मीर आके पोस्टिंग लो, अदरवाइज आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। भाई ना नरेंद्र मोदी पर शक है, ना डोवाल साहब पे शक है, ना अमित शाह पे शक है, बस टैक्टिकल मिस्टेक इतनी हो रही है, ये आपकी गलती नहीं है, आप दिखाना चाह रहे हो कि चीज नॉर्मल है, हो जाएगी 3 साल में, हो जाएगी 5 साल में, हो जाएगी। हिंदूज को आप फायरिंग लाइन में इस तरह नहीं डाल सकते। आपसे मेरी बात खत्म हुई। अब माजिद भाई आप सुनिए, कोई इस देश में किसी से नहीं कह सकता कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अफसोस इस बात का है कि रिजवान अहमद अपने घर में बैठकर, घर में बैठ के ये बोल रहा है और आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं। एक बात बताऊं माजिद भाई, आप जितनी टाई लगा लें, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। आपके दिमाग का जिस दिन ऊंचा पजामा उतरेगा और दिमाग में टाई लगेगी, उस दिन आप में बदलाव नजर आएगा। आप टाई लगा के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप टाई उतार के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, और आपके दिमाग में ऊंचा पजामा है। अमीश भाई मैं जवाब देना चाहता हूँ, 30 सेकंड में बात पूरी कर दूंगा। देखिए पहले चीज अमीश भाई, हमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के जो कमिटमेंट है, जो वचन है जम्मू कश्मीर पे, उस पर कोई शक नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के साथ हैं, लेकिन मैं इन दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को बता दूं कि आपको जम्मू कश्मीर के मामले में धोखे में, झूठ में रखा जा रहा है, आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही है जम्मू कश्मीर की ग्राउंड। सोच जो रिजवान अहमद ने बोला, आपकी सोच मदरसा वाली क्यों है? नहीं नहीं सुनिए सुनिए, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं मदरसे की बात, देखे ये कुर्ता पजामा खाकी चड्डी ये शब्द मैं नहीं बोलता, मैं नहीं कहना चाहता रिजवान भाई आपकी मुझे खाकी चड्डी दिख रही है, मैं नहीं बोलता ऐसी बातें। वो खाकी चड्डी कौन पहनते पूरा देश जानता है, विश्व जानता है, ये कुर्ता पजामा खाकी चड्डी है, विचारधारा नहीं होती, कपड़े पहनने का तरीका होता है। आप जो पहने वो पहने, मैं जो पहने, जहां भाजपा की आलोचना करनी होगी मैं भाजपा की आलोचना करूंगा, मैं आज आपके सामने बैठ कर भाजपा की आलोचना कर रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मेरी चड्डी खाकी है? मैं गौरव भाटिया की आलोचना कर रहा हूँ भाजपा के, देखिए मैंने चड्डी को तो किसी पार्टी के साथ जोड़ा नहीं, आप खुद जोड़ रहे, पता नहीं कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं, पहले आप कुर्ते पजामे, अरे तो मैंने भी ऊंचे पजामे को किसी के साथ नहीं जोड़ा, मैंने भी ऊंचे पजामे को किसी के साथ नहीं जोड़ा, आपकी विचारधारा ऊंचे पजामे की है, आपकी विचारधारा तालिबानी है, आपकी विचारधारा भारत के खिलाफ है, आप जितनी टाई लगा लो, अरे आप जितनी टाई लगा लो, जितना कोट पहन लो, तुम्हारे दिमाग में गंध है और वो गंध ही रहेगी। आप मुसलमान को नंगा देखना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग में गंध है और वो गंध ही रहेगी। हिजाब बैन कर रहे हैं, हलाल बैन कर रहे हैं, अजान बैन कर रहे हैं, ज्ञान माफी भी खाने का चक्कर चल रहा है, अरे हम करें तो क्या करें? किसने अजान बैन करी, किसने हिजाब बैन किया, किसने हिजाब बैन किया भाई, किसने अजान बैन करी बताओ, किसने अजान बैन करी, किसने अजान बैन करी बताओ, नाम बताओ उसका, नाम बताओ किसने अजान बैन करी बताओ, बंद कर दिया। ठीक है सुन लो ना, अब जवाब सुनो ना, शांति से माजिद हैदरी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। भाई मैं ही क्यों सुनूं, ये क्यों ना सुने, सब सुन रहे हैं ना, आपकी बात सबने सुनी, आपने आप झूठ का आप झूठ का एक पैमाना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं हिजाब बैन कर दिया, कहां बैन है हिजाब देश के अंदर, हिजाब डाल के कोई भी जाए, हिजाब डाल के कोई भी जाए, हाँ स्कूल में हिजाब अलाउड नहीं है, अरे कहां अजान बैन है, अजान आप पढ़ सकते हैं, अजान हो सकती है लेकिन सीमित भारत में अलाउड, सीमित वॉइस में होगी, अनलिमिटेड वॉइस में इट विल हैपन। माजिद मैं ऊंचे पजामे वाली कहानी में, मैं चड्डी वाली कहानी में नहीं
पढ़ना चाहता, मेरा निवेदन है, इत्मीनान से सुनिए जरा, इत्मीनान से सुनिए। आपने कितने झूठ बोले। झूठ नंबर एक, अजान बैन हो गई है इस देश के अंदर। कहां अजान बैन हुई है, कहां हुई है? एक बताइए, मेरा कार्यक्रम है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप 40 सेकंड तो अनुरोध से सुनिए, इत्मीनान से मैं बोल रहा हूं। कहां अजान बैन हुई है? आपने ये झूठ बोला, अजान बैन नहीं हुई है। अजान को सीमित मात्रा में धीमी आवाज में आप चला सकते हैं और बजाइए, अजान करिए। हु स्टॉप्स यू? लगती है एयरपोर्ट पे अजान क्या? तब भी काम होता ही है ना? तब भी इबादत होती है ना? एक सेकंड सुनिए। और कहां हिजाब बैन है? स्कूल के अंदर स्कूल ड्रेस होती है, हिजाब नहीं होता। आप गली मोहल्ले में, आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे हिजाब डाल के जाइए। हु स्टॉप्स यू? पॉइंट नंबर थ्री, आपने बोला ज्ञान वापी हमारे से छीन रहे हैं। कौन छीन लेगा किसी से कुछ? अरे राम मंदिर से तो, राम मंदिर तो लिया नहीं गया लोगों से, सरकारें आई और गई, कोर्ट ने दिया। नहीं ना, एक सेकंड, तो कोर्ट ने दिया तो मिला, कोर्ट ने दिया तो मिला, संविधान सम्मत। अभी संविधान की बात करते ना, आप करते एक आत्मा है, एक दिल है, एक दिमाग है, ऐसे ही कुछ बोला था आपने, कोर्ट ने दिया और मिला। अब ज्ञान वापी की बात कर रहे हैं, अब ज्ञान वापी की बात करें, कोर्ट तो फैसला करेगा। मजा ला इस देश का हिंदू मान ना माने, इस देश का मुसलमान ना माने, क्यों फिर झूठी बात, झूठी बात क्यों भड़काने के लिए? राम मंदिर का केस सब जुड़ी से था, जब वहां पे कार सेवकों ने जाके बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, वो आप भूल गए। हमारे देश में कर्नाटका में किसी स्कूल में हिजाब बैन क्यों होगा, जब बिंदी बैन नहीं होगी, जब मंगलसूत्र बैन नहीं होगा, जब साड़ी बैन नहीं होगी, मंगलसूत्र इज नॉट अलाउड इन स्कूल। इवन अगर अगर लड़कियां, आप, मैं कहता हूं, लोग ट्वीट करके बता रहे, अगर बच्चियां अपने घर में, उनकी शादी भी हो, ब्याह भी हो, वो नेल पॉलिश और मेहंदी भी लगा लेती है ना, वो भी उतार के जाना पड़ता है उनको। अरे ये बात सच है, मेहंदी भी निकाले और नेल पॉलिश भी लगा लेना, वो भी उतार के जाना पड़ता है। ये वैसे तो संविधान की बात करते हो, लेकिन दिल में शरिया है। पॉइंट ए है, दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, आपके पास आखिर में आ रहा हूं, लेट आ रहा हूं। मेरे साथ अमित रैना भी है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, और लगातार मेरा इंतजार कर रहे हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, बी फेयर माजिद हैदरी। दानिश जी, क्या आपको लगता है कि भड़काना मकसद है? क्या आपको लगता है डराना मकसद है? क्यों हिंदुओं को डराया जा रहा है कश्मीर में? देखिए, सबसे पहली बात तो अमीश जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दरअसल कश्मीरी पंडितों को आगे करके अपनी राजनीति कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को लगता है तो वो पोस्टिंग करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां पर, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं। तो नंबर वन, सबसे पहले तो उनको अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा, गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हमने घुस के मारा है, अच्छी बात है, मारना ही चाहिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के हत्यारे को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुसलसन 370 जब से हटी है, तब से हम हर रोज एक नया कारनामा देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि घुस के मारने, मारे जाने के बावजूद भी, अब इस मुझे कंप्लीट कर दे, घुस के मारे जाने के बावजूद भी वहां आतंकी बेखौफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, होल्ड ऑन, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। आई विल गो टू गौरव भाटिया। आपने बोला तब से 370 हटी है, 370 हटने के बाद ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। एक बात बताइए, 90 में कश्मीरी पंडित बेघर हुए थे तो 370 तो थी? कश्मीरी पंडितों को तो मारने का अहवान, मैं जवाब दूं, अहवान कहां से हुआ था? मस्जिदों से हुआ था ना, 370 वाज देयर, देन व्हाई दैट हैपेंड? मैं जवाब दूं? हां बताइए, मैं जवाब दूं? हां पूरी पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए सर। उस वक्त भी केंद्र में किसकी अलायंस की सरकार थी ये बताइए, कौन था केंद्र की अलायंस की सरकार में? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? क्यों उन्होंने विड्रॉ नहीं किया सपोर्ट? नंबर वन, भारतीय जनता पार्टी के रहते आज तो स्वतंत्र उनकी सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, अपने डिसीजन लेने के लिए पावरफुल है देश के प्रधानमंत्री। बावजूद उसके अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो क्या देश के लिए शर्म की बात नहीं है? नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। रिप्लाई टू हिम, देन आई विल गेट कश्मीरी एक्टिविस्ट अमित रैना, वेटिंग फॉर लॉन्ग। गौरव जी, देखिए अनुच्छेद 370 हटने का दर्द इनको बड़ा गहरा है, दर्द पाकिस्तान को हुआ और दर्द कांग्रेस पार्टी, AIMIM, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाज को हुआ। लेकिन मैं कुछ तथ्य रख दूं अमीर जी, जब से अनुच्छेद 370 हटी तब से पत्थरबाजी के मामलों में 98% की कमी आई, आतंकवादी हमले जो थे 63% की कमी आई,
और क्या ऐतिहासिक हुआ ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ही ये हिम्मत थी, अनुच्छेद 370 को हटाया, जेकेएलएफ को बैन किया, यासीन मलिक जेल की सलाखों के पीछे है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से उनके आवास पे मिलता था, उनके बाद सेक्रेटेरिएट पे कश्मीर में तिरंगा लहराया गया। और कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया ये भी बता दूं, 6,000 ऐसे प्रवासी कश्मीरी पंडित है जो लौटे वहां, गौरव किया होगा, उसके अलावा मैं उनको काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल आप शासन ने किया होगा, लेकिन अभी समस्या है और वो समस्या विकराल रूप ले रही है, तो उसका निदान भी आप ही को करना पड़ेगा, समस्या भी दूर होगी। जी जी जी, वो दैट्स द पॉइंट। 30 सेकंड दे दीजिए अमित जी, 30 सेकंड। नहीं देखिए देखिए देखिए, अभी तक अभय दुबे इस चर्चा में नहीं आए, अमित रैना कश्मीरी पंडित इंतजार कर रहे हैं अपने टर्न का, और अभय दुबे आपसे इजाजत लेकर मैं उनके पास जा रहा हूँ, अमित रैना के पास जा रहा हूँ। अमित रैना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित रैना, समस्या क्या है? वहाबी सोच समस्या है या भारतीय जनता पार्टी का शासन समस्या है? सोच तो समस्या दोनों ही है, क्योंकि वहाबी सोच समस्या है और उसे ना मानना कि कश्मीर की सोच की समस्या वहाबी है, वो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, तो समस्या दोनों ही है। और जब तक आपने बिल्कुल सही पहचाना इसे, जब तक हम इसे नहीं मानेंगे कि कश्मीर में जो चल रहा है वो जिहाद है, वो एक सिविलाइजेशनल वॉर है, तब तक हम कश्मीर की समस्या को कभी नहीं सुलझा सकते, तब तक हम कश्मीर को कभी नॉर्मल नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है, मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है, मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा शासन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी की सरकारें नहीं सोच समझती कि वहां पर जो है वो एथनिक क्लिंजिंग का काम हुआ है? क्या उनको समझ में नहीं आता? क्या आपको लगता है कि अगर कश्मीरी हिंदुओं को कोई डराएगा, उनके लोगों को मारेगा, उसके बाद भाग जाना एक ऑल्टरनेटिव है? दैट इज ऑल्टरनेटिव? नहीं, ये सवाल बड़ा ही गलत था आप जो कह रहे हैं, भाग जाना, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, कल वहीं रह लेते हैं आप और मैं। ये जान जिनकी जान की बाजी होती है, वो ये सवाल उनसे ना ही करें तो अच्छी बात होती है। ये भाग जाना तो बोल दीजिए एलजी साहब को, बिना 25 सिक्योरिटी गार्ड्स के 30 गाड़ियों के बिना कश्मीर में घूमें, ठीक है? ये जो भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रवक्ता बैठते हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे कहे बिना सिक्योरिटी के घूमे, फिर हमें सवाल पूछे कि भाग जाना चाहिए कि नहीं भाग जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपको शायद, अमेजिंग, मैं माफी चाहूंगा, बट आई थिंक यू नीड टू विदड्रॉ दिस क्वेश्चन। अब दूसरी बात है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, द एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल। यू कैन नॉट होल्ड महबूबा फारूक अब्दुल्ला रिस्पॉन्सिबल। आपका दायित्व है लोगों की सुरक्षा करना और आप सुरक्षा करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप जवाब देंगे। 12 मई को हत्या हुई राहुल भट्ट की, उसके बाद इंटेलिजेंस का इनपुट आया हिंदू सुरक्षित नहीं है, आप उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मूव करिए। मैं पूछना चाहता हूं रजनी बाला क्यों नहीं मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, विजय को क्यों नहीं मूव किया गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब नहीं देगी, वो आतंकवादी है, आतंकवादी समर्थक है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की। गौरव भाटिया, आंसर इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं हुआ फैसला? जवाबदेही आपकी है। देखिए, जो बिल्कुल अमित रैना जी ने जो बात कही, मैं इतना ही कहूंगा कि उनका आक्रोश मैं समझ सकता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कश्मीरी पंडित के साथ खड़ी है। आपने बात करी कि क्यों नहीं सुरक्षा बढ़ाई गई, तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, और उसके अलावा जिन नागरिकों को मूव क्यों नहीं किया गया, और अभी खबर आ रही है कश्मीरी कॉलोनी पंडितों की कॉलोनी सील कर दी गई है, इसका जवाब दे दिया, गिव मी अ पॉइंटेड आंसर। मैं वो भी बात बता दूं, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मूव किया गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ये फैसला भी सरकार ले चुकी है। पहले क्यों नहीं किया, राहुल भट्ट की हत्या के बाद क्यों नहीं किया? जल्द जब जब इंटेलिजेंस इनपुट था कि कश्मीरी हिंदू खतरे में है, तब क्यों नहीं किया गया? व्हाई डिले? उसमें उसके बीच में दो लोगों की जान और चली गई, ये सवाल है। अमित रैना, दे रहा हूं अगर मुझे आप नहीं मौका दे रहा हूं, गौरव मैंने आपको भरपूर मौका दिया है, लेकिन सवाल अगर कड़े हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। कोशिश कर रहा हूं जी, प्लीज। क्यों नहीं देना पड़ेगा, मैं दूंगा, इसीलिए यहां बैठा हूं। जी जी, धन्यवाद। तो मैं आपको ये बता दूं कि सुरक्षा जैसे बढ़ाई गई, उसके बाद कुछ फैसले हैं जिन पे सारे तथ्य जान के फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हत्या हुई तो इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी गई, अब ये फैसला लिया जा चुका है,
तो नुक्ताचीनी करना या कमी बताना बड़ा आसान है अमीर जी, लेकिन मैं भी ये बात कह सकता हूं कि इस सरकार ने मजबूती से कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा होना दिखाया है करके। हमने वहां नौकरियां दी हैं, हमने वहां सुरक्षा दी है, हमने पुनर्स्थापित किया है। एक महीने में 60 टारगेटेड किलिंग हुई है, 70 सिविलियन मारे जा चुके हैं पिछले एक साल में। आपको नुक्ताचीनी और क्या, एक मिनट, वहां एक पूरे की पूरी कौम दहशत में बैठी हुई है, आपको नुक्ताचीनी लगती है? एलजी को वो अपना एल्डर, अपना पेरेंट, अपना गार्डियन समझते थे। एलजी 15 दिन तक उनसे मिलने नहीं आते हैं, ये आपको नुक्ताचीनी लगती है? एक एक छोटा सा समुदाय जो कुछ हजारों में है, हजारों में, 10,000 भी नहीं है, 6,000 लोग हैं। अगर वो 6,000 के समुदाय को डर लग रहा है कश्मीर में, तो कौन आएगा उनको सांत्वना देने? कौन आएगा उनको दिलासा देने? हेड ऑफ द स्टेट आएगा, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है। हम तो नहीं आते, क्यों नहीं आते? ये सवाल आप एलजी मनोज सिन्हा से पूछेंगे, क्यों नहीं गए आप 15 दिन तक उनको सांत्वना देने के लिए? जवाब 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 एलजी आपने डिप्यूट किया। अबे दुबे, आई होप यू आर नॉट माइंडिंग बिकॉज अमित रैना इज कंटिन्यूअसली ओके। होल्ड ऑन अबे दुबे, आई नो गौरव भाटिया रिप्लाई टू दिस। आई नो अभी दुबे यू वांट टू ऐड अ पॉइंट, लेकिन लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, आपने कहा कि कौन आएगा उनको सांत्वना देने? केवल सांत्वना देना नहीं, उनके साथ खड़े होने श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सारे भारतीय जनता पार्टी के नागरिक हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने नुक्ताचीनी जो कहा कि ये फैसला कब लिया गया, कब नहीं लिया गया, ये पूछा जा रहा है। क्या ये सत्य नहीं जी, जी. है कि अगर 9 बार टारगेटेड किलिंग हुई तो 24 घंटे के अंदर और 48 घंटे के अंदर उन हत्यारों को मार गिराया गया? क्या ये सत्य नहीं है? सुरक्षा बढ़ाई गई है? ठीक है, अबे दुबे, वांट टू ऐड अ पॉइंट, ओके ओके, गॉट अबाउट यू मेड योर पॉइंट, गॉट अबाउट यू मेड योर पॉइंट। अबे दुबे लेट अबे दुबे कम इन। अबे दुबे एक वो भी दौर था जब प्रधानमंत्री कार्यालय में यासीन मलिक पहुंच जाता था कश्मीरी हिंदुओं का हत्यारा। एक ये भी दौर है जिसमें सरकार कह रही है कि हम 24 घंटे में आतंकियों को मार गिराएंगे, और जिसने कश्मीरी हिंदुओं को मारा वो आज जेल की सलाखों के पीछे है और ताउम्र कैद उसे हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये फर्क साफ है? यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ और यहां पर जेल के अंदर फर्क साफ है। अमित रैना ने जो कहा उसका राजनीतिक मायना समझिए गंभीरता से। पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे सवाल का राजनीतिक लाभ के लिए संदेश नहीं देना चाहती। हाँ दूंगा, आप 100% दूंगा जी सर। ये संदेश नहीं देना चाहती कि कश्मीरी पंडित इनके राज में पलायन कर रहे हैं इसलिए मरने के लिए वहां छोड़ दिया। क्या इन्होंने किया है? पहले दिन राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मानिए, छोड़िए मत, इन्होंने छोड़ दिया। हमने कहा इनसे सैफुल्ला जैसे आतंकी को वार्ड नंबर 13 से टिकट दिया, ये नहीं माने। हमने कहा था कि पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इन्होंने अलगाववादी संगठनों को स्टेक होल्डर बताया। इन लोगों ने आंसी अंद्राबी जैसी आतंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बुरान वानी की आज बात कर रहे हैं, उसके भाई के घर पर मुआवजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के लोग गए। तो जब सत्ता की भूख मिटानी थी इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीढ़ी सत्ता की बनाई। अच्छा, ये आज भी अवसर है, ये आज बिल्कुल आप मेरे सवाल का, यासीन मलिक कह रहे हैं, यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री के घर कैसे पहुंचा? कश्मीरी हिंदुओं का हत्यारा कैसे पहुंचा? किसने पहुंचाया? डेट में आप क्यों नहीं आए थे? और वो कौन सी सीढ़ी देकर गया था? मलिक पे जब चर्चा हो रही थी तो आप कहां चुपे हुए थे? मेरे पास 3 प्रमाण है। चूहा कहां छुपा था? केसी यासीन मलिक वाली डिबेट पे आप क्यों नहीं आए थे ये बताइए। कमेटी मिली उससे? एक भी ट्वीट क्यों नहीं मिली? सारी बात छोड़िए, लेकिन एक यासीन मलिक पे राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। एनएन वोरा की कमेटी मिली कि नहीं मिली उससे? अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, गौरव होल्ड ऑन, गौरव अबे दुबे का ऑडियो डाउन करिए, गौरव भाटिया का भी ऑडियो डाउन करिए, गौरव अबे दुबे होल्ड ऑन, अबे दुबे मेरा सवाल ये है, यासीन मलिक ने जो सीडी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी थी वो सीडी क्या थी? आपकी जानकारी में है? आप तो पार्टी सरकार में थे, आपको पता होना चाहिए कौन सी सीडी दी थी, क्या सीडी थी वो? मुझे बताइए यासीन, ना आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जितने सवाल पूछने चाहिए थे वो पूछे गए हैं और बेझिझक पूछे गए हैं और जवाब भी आए हैं। पिछले 55 मिनट से बीजेपी से सवाल पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके दौर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का हत्यारा प्रधानमंत्री के घर कैसे पहुंचा था? जवाब देना पड़ेगा आपको, कैसे पहुंचा था, प्लीज आंसर दिस। और कौन सी सीडी दी थी? जवाब, कोई इधर उधर की बात नहीं, यासीन मलिक कैसे पहुंचा पीएमओ? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं जी सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इधर उधर की जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल सर, वो सीडी भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार में केसी पंत की कमेटी को उसने दी, उससे मिला। अरुण जेटली राम जेठमलानी की कमेटी से नहीं दिखाई दे रहे थे, की कमेटी से दिखाई दे रहे थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे दिखाई दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे दिखाई दे रहा था कश्मीरी हिंदुओं का हत्यारा यासीन मलिक, ना मुझे बताइए अरुण जेटली दिखाई दे रहे थे वहां पर? कुछ भी आप कहते हैं, वह अरुण जेटली इस दुनिया में ही नहीं है अभी, अरुण जेटली वहां पर थे तो तस्वीर दिखाइए, कांग्रेस पार्टी तस्वीर सामने लेके आए। अगर यासीन मलिक जब देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला था तो अरुण जेटली कहां थे वहां पर? भेजा, अरे पाकिस्तान किसको भेजा, किसको नहीं भेजा, मुझे ये बता, अरे पाकिस्तान किसको भेजा, किसको नहीं भेजा, वो तो वैसे ही पाकिस्तान जैसा है, वो तो वैसे ही पाकिस्तान का, पाकिस्तान का पिट्ठू है। मुझे बताइए कैसे यासीन मलिक मोदी सरकार, अबे जी यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री के यहाँ पर, अबे जी देश के प्रधानमंत्री के यहाँ पर यासीन मलिक क्या कर रहा था? आज पूछिए मोदी जी से कि कश्मीरी पंडितों पर लाठीचार्ज, रिजवान अहमद वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले क्यों मार रहे हैं? होल्ड ऑन, गौरव भाटिया ने तस्वीर दिखाई, गौरव भाटिया ने तस्वीर दिखाई, कहां दिख रहे हैं अरुण जेटली वहां पर, कहां दिख रहे हैं अरुण जेटली वहां पर, उनकी नौकरी क्यों? अरे ठीक है रिजवान, देखिए अब आप यू आर लेक्चरिंग इट, आई अभी जी ऑडियो में आपका डाउन कर रहा हूं, अभी जी आई आस्क यू वेरी फेयर क्वेश्चन, Each and every Kashmiri Hindu citizen of India wants to ask this. कैसे पहुंच सकता है इतने हिंदुओं का हत्यारा देश के प्रधानमंत्री के यहां पर, रिजवान अहमद? ये कोई छोटी बात नहीं है जी। हत्या कब हुई? देखिए रिजवान अहमद, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ कोई तस्वीर है क्या? हैव यू बीन टू प्राइम मिनिस्टर्स हाउस और ऑफिस? जी 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 है क्या? जी 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 उसी पे आ रहा हूं जी। कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके तीन कारण हैं। पहला, निजामे मुस्तफा की भूख, निजामे मुस्तफा की ललक, जैसा कि रैना भाई ने बोला। दूसरा, नेहरू, शेख अब्दुल्ला, राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का कॉम्बिनेशन। और तीसरा, माजिद हैदरी जैसे मुसलमान जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर के बिगड़ते हालातों में मजा आता है, डिबेट में आके वो अपना सीना पीटते हैं जी। अब मैं रुक करता हूं अबे दुबे का, अबे दुबे मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं। जो बात रिजवान अहमद ने बोली, क्या आपको लगता है ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी है और इसका हल 2 महीने में 3 महीने में 1 साल में 2 साल में 2.5 साल में नहीं निकल सकता? यू ऑल्सो नो इट इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बड़ी बीमारी है। इसीलिए तो कहा राहुल गांधी जी ने, और मैं फिर कह रहा हूं अपने प्रधानमंत्री से, मोदी जी आप 2021 में सभी राजनीतिक, देखिए स्टेटहुड तो राहुल की बात माने मोदी, कश्मीर को सारे राजनीतिक दलों को, कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों को, सारे राजनीतिक दलों को साथ बिठाइए प्रधानमंत्री जी और तय कीजिए कैसे प्रजातंत्र को मैं केवल इतना कहूंगा, यासीन मलिक को उम्र कैद हुई, राहुल गांधी का ट्वीट भी नहीं आया, प्रवक्ता छुप गए चूहे की तरह बिल में, आज आके ज्ञान दे रहे, 55 साल आप नहीं कर पाए, हमने अनुच्छेद 370 का संशोधन किया। शुक्रिया, मेरा समय चिदम्बरम इतनी इजाजत देता है, मैं समय इतनी फिलहाल अनुमति देता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का निष्कर्ष देना थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि निर्मम हत्याएं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि पुरानी बीमारी आराम से नहीं जाती, बड़ा परेशान करती है, शायद कश्मीर की कहानी भी कुछ ऐसी है। नमस्कार।